तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है। सो सपोज करो एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है किसी एक वेलोसिटी के साथ। तो आप जब ट्रेन को देख रहे हो मूव कर रहा है, तो आप जब ट्रेन जब मूव कर रहा है जिस समय पे, तब तो आप कुछ देर के लिए उसके साथ आप मेंटेन कर सकते हो अपनी स्पीड। आपका जो दोस्त है भी, मान लो कोई दोस्त है, तो आप उससे बातें कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे ट्रेन की स्पीडें बढ़ जाती हैं, स्पीड जो है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद आप उसके साथ मेंटेन अपना डिस्टेंस अपना स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हो। ट्रेन के पास एक स्पीड है और इसके पास एक डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन में है। तो उसके पास एक डायरेक्शन है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक डायरेक्शन है। इसमें कोई हमने गलती नहीं बोला, इसमें कोई हमने गलत बात नहीं कहा। तो उसके पास एक वेलोसिटी, तो सपोज़ करो तो उसका पहले वेलोसिटी कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, और जब वो स्टेशन की तरफ जाएगा तभी वो अपना स्पीड थोड़ा कम करेगा, वेलोसिटी जो है वो कम करेगा ताकि वो रुक सके। तो पहले वेलोसिटी कम था, फिर बढ़ा, फिर वापस से कम हो गया, तो इसमें कुछ टाइम लगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी एक टी टाइम पे, सपोज़ करो टाइम टी पे, उसके टाइम टी मतलब शुरुआत जब हुआ था, ठीक है, टाइम टी के पहले, बिफोर टी, जब शुरुआत हुआ था, जब ट्रेन का शुरुआत हुआ था, तब उसकी जो वेलोसिटी थी सपोज़ करो यू थी, और जो बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई वी, ठीक है, वो हो गई वी टाइम टी के बाद, ठीक है, जब वो रुकने गया, जब वो रुक गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बढ़ा, पहले धीरे से धीरे धीरे बढ़ा, फिर वापस धीरे धीरे घटा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म, उसी इंपॉर्टेंट टर्म को हमने कहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन उसी इंपॉर्टेंट टर्म को हमने एक नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या, पर यूनिट टाइम, ठीक है, यही बात हमने बोल दिया है, ठीक है। तो इसी की वजह से वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, सो फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं यू, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। वी हमारा होता है, वी हमें रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, मतलब टाइम टी के बाद कौन सा वेलोसिटी हुआ, जो वेलोसिटी था टाइम टी के बाद वो रिप्रेजेंट करता, और यू हमें रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है, टाइम टी के पहले की वेलोसिटी को हमें रिप्रेजेंट करता है यू। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल्स एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको हुई, ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका यूनिट का हम बात करें, तो ये यूनिट किस में होगा? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये आपका आगे चल के मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या, इंटू वन बाय एस, क्यों, क्योंकि नीचे तो वन होता है, अगर कुछ नहीं है तो हम रिमाइंडर वन ले लेते। सो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन को हमें सही में समझना है कि हाँ ये है क्या, सो देख लो कि सपोज करो कि टाइम, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है, टेबल है टाइम का, और एक है वेलोसिटी का, ठीक है, एक है वेलोसिटी का टेबल। सो इसमें देखो, इसमें क्या है, टाइम वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है, टाइम वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सही है, ये टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी वेलोसिटी थी 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर इसका अचानक से हो गया आपका 3.2, फिर 4.6, ठीक है, फिर टाइम 8 पे आपका ये हो गया 4.6 से 5.2, ठीक है, फिर 9 पे 5.2 से 6.2, ठीक है, ऐसा चला गया इसका वेलोसिटी। तो ये हम लोग क्या सकते हैं, ये मीटर में है वेलोसिटी, मीटर में और टाइम सेकेंड्स में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी और टाइम सेकेंड्स में, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो, वन सेकेंड डिफरेंस है, वन सेकेंड का, टू और वन में एक सेकेंड का डिफरेंस है, टू थ्री में भी एक सेकेंड, तीन चार में भी एक सेकेंड है, मतलब सब में एक एक सेकेंड का डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हो। सो एक सेकेंड के भीतर इसने 0.5 वेलोसिटी चेंज हुआ, फिर दूसरे सेकेंड भी इसने 0.5 वेलोसिटी के साथ चेंज किया, इसने तीसरे सेकेंड भी 0.5 वेलोसिटी के साथ चेंज हुआ, चौथे सेकेंड भी 0.5 वेलोसिटी के साथ, पाँचवें सेकेंड जो कि ये टाइम है 5 और 6 के बीच का पाँचवा सेकेंड जो है, उस टाइम पर इसने 0.5 के साथ चेंज नहीं किया। उस टाइम पे इसका जो चेंज ऑफ इस वेलोसिटी था वो डिफरेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी था वो डिफरेंट था जो कि था 0.7, ठीक है। तो पॉइंट जो 5 सेकंड तक इसका हम लोग बात करें, तो टिल 5 सेकंड ये यूनिफॉर्म था, टिल 5 सेकंड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म था, रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी वॉज यूनिफॉर्म, ठीक है, वॉज यूनिफॉर्म, मतलब कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, मीन्स एक्सेलरेशन वॉज यूनिफॉर्म, मीन्स एक्सेलरेशन वॉज यूनिफॉर्म, मतलब वो सेम टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन वॉज यूनिफॉर्म। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब टाइम के साथ हर एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो, तभी हम लोग ये इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, वरना इस फार्मूला का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले, उसके बाद यहाँ पे 0.7 से चेंज हुआ, फिर यहाँ पे आप देखते हो तो 0.6 से चेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे आप देख लो, देखते हो तो 1 से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज अलग हो गया, ठीक है। लेकिन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम हो, तभी हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, वरना इस फार्मूला का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यूनिट क्या हुआ? एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग देखेंगे कि सपोज करो कि जैसे कि एक्सेलरेशन रेट वो बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा, फिर वापस, पहले ट्रेन क्या था, ट्रेन का एग्जांपल जो अगर हम ले रहे थे, तो ट्रेन पहले धीरे धीरे बढ़ा, पहले स्पीड उसका कम था, फिर वो स्पीड उसका बढ़ा और फिर बढ़ा, ठीक है, फिर स्पीड बढ़ा और फिर बढ़ता गया, फिर वापस जब स्टेशन की तरफ अप्रोच किया तो स्पीड गिरता गया। मतलब एक टाइम पे उसने एक्सेलरेट किया, एक टाइम पर डीएक्सेलरेट किया। डीएक्सेलरेट मतलब स्पीड धीरे धीमा गया, ठीक है। वेलोसिटी मतलब जो थी वो कम होती गई, तो इसमें रिटार्डेशन होता है, इसको हम लोग रिटार्डेशन मोशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन होता है, इसी का अपोजिट हो गया रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि वो बढ़ रहा है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, और रिटार्डेशन मतलब कि वो घट रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे है, और इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से, इसको हम लोग ए और बी लेते हैं, ए और बी इसको कंसिडर करते हैं। तो इसमें सपोज करो कि इसके यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो यहाँ तक आ रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और यहाँ पे उसकी आते हुए वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर पता करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हमने बोला गया एक्सेलरेशन पता करो। हमने बी और ए को पॉजिटिव कंसिडर किया, क्या किया, बी और ए को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया, ठीक है, बी और ए को पॉजिटिव कंसिडर किया। इसके साथ हमारा क्या निकल गया, इसके साथ हमारा निकल गया फाइनल वेलोसिटी क्या था, 15 मीटर पर सेकंड, 15 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इसमें क्या, मान लो सपोज करो हमें टाइम दे दिया है 2 सेकंड्स, कितना 2 सेकंड्स का हमें टाइम दे दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 सेकंड के भीतर 10 से 15 तक का आया। तो टाइम हमें 2 सेकंड्स दे दिए, दोनों सेकंड, ये सेंटीमीटर पर सेकंड और ये मीटर और ये सेकंड्स में, ठीक है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 5/2, जो कि हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, उसी के हिसाब से इसका मोशन, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, मतलब उसी के हिसाब से ये 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड 2.5 मीटर के हिसाब से इसका वेलोसिटी बढ़ा है। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर यही केस अगर होता, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या था कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है। अब सपोज करो कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वहाँ उस समय तो ऊपर से नीचे आ रहा था, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, और इस समय इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 15 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकंड। पिछले बार हमने बी ए को पॉजिटिव लिया था, इस बार हम ए बी को पॉजिटिव लेंगे, किसको लेंगे, ए बी को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत क्या होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 15 मीटर, ए बी, ये हुआ ए और ये हुआ बी, ठीक है। इनिशियल हमारे 15 मीटर, तो उधर के साइड जा रहा है, ठीक है, तो 15 हम यहाँ पे लिख देंगे। और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या, ठीक है, ए बी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर, क्या है, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 5/2 इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। सो इस केस में क्या था, ए बी हमारा पॉजिटिव था, तो पहले इसी साइड, इसी से उधर जा रहा था, तो 15 मीटर फाइनल इनिशियल, सॉरी इनिशियल आप फाइनल आपका 10 था, सो 10 मीटर हम लोग फाइनल यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग 10 मीटर फाइनल लिख देंगे, 10 मीटर हमारा फाइनल, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा होगा 15, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 15 होगा, ठीक है, 15 मीटर, और ये उसी साइड जा रहा है, तो 15 मीटर, तो ये 5/2, ठीक है, 5 - 5, 10 - 15 क्या हो जाएगा, -5 - 5/2 इक्वल्स -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसमें आप देख रहे हो कि इसमें आंसर माइनस आया है, ठीक है, इसमें आंसर क्या आया, माइनस आया है। तो क्या हम लोग ये कहेंगे क्या कि अगर आंसर आपका माइनस आया हो, ठीक है, आंसर अगर आपका माइनस आया हो, तो क्या वो रिटार्डेशन कर रहा है, मतलब वो उसका स्पीड घट रहा है, उसका वेलोसिटी घट रहा है, क्या हम लोग ये चीज़ कहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पीड एक्चुअली घट रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी एक्चुअली घट रहा है, आप देख रहे हो कि 15 था पहले, उसके बाद 10 हो गया,
तो आप लोग देख रहे हो कि हाँ वेलोसिटी एक्चुअली घट रहा है, तो क्या हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी अगर घट घट रहा है तो माइनस में आंसर आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन का इशारा खेला, क्योंकि हमने ए बी को पॉजिटिव कंसिडर किया था, इसके लिए माइनस में आंसर आया। अगर वहीं हम लोग बी ए को पॉजिटिव कंसिडर करते, क्या बी ए को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते तो ये आंसर क्या आता? ये हमारा क्या हो जाता कि 10 की तरफ जा रहा है, तो बी ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये माइनस 10 की तरफ जा रहा है, क्योंकि बी ए पॉजिटिव है तो ये इधर वाला पॉजिटिव उधर जा रहा है, तो माइनस 10 की तरफ जा रहा है। माइनस और 15 ये भी माइनस में चला जाता, क्यों चला जाता? क्योंकि बी ए पॉजिटिव है और ये ए बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी ए को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया और ए बी की तरफ जा रहा है, तो माइनस माइनस 15, ठीक है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाता डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस होता माइनस 10 प्लस 15, और ये हो जाता आपका डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका हो जाता 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसमें आपने देखा कि एक ही चीज़ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से उसका साइन भी चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन से ही फर्क पड़ता है, कोई माइनस पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इससे आपको एक्सेलरेशन में है या फिर रिटार्डेशन में या फिर डीएक्सेलरेशन में, इससे आपको पता नहीं चलेगा। आपको कैसे पता चलेगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपको फिर पता कैसे चले कि वो रिटार्डेशन कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन कर रहा है। इस केस में आप लोग देख रहे हो कि वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो साइन आया वो नेगेटिव है। यहाँ पे वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है। जब भी साइंस अपोजिट आ जाए एक्सेलरेशन का, ठीक है, एक्सेलरेशन का साइन मान लो पॉजिटिव है, वेलोसिटी का नेगेटिव, तो आप समझ लो कि रिटार्डेशन है। वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, तो समझ लो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, तो समझ लो रिटार्डेशन है। अगर दोनों का साइन सेम है, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन है सही में, वो उसका स्पीड बढ़ रहा है। और अगर दोनों का साइन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, समझ लो कि वो बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।